ऐसे तीन रहस्यमय लक्षण जो बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आपसे प्रेम करने लगे हैं और भगवान आपको अपना बना चुके हैं। राधे राधे दोस्तों, भक्ति तो लाखों लोग करते हैं पर दुनियादारी के लिए सब भक्ति की उस सीमा तक नहीं पहुंच पाते जहां भगवान खुद संकेत देते हैं कि उन्होंने उस भक्त को अपना लिया है और वो भी उनसे प्रेम करते हैं। इसलिए ये ऐसे खास संकेत है जो आज ईश्वर के चुने हुए कुछ खास चुनिंदा लोगों को ही मिलते हैं। पहला लक्षण है मृत्यु का डर खत्म हो जाना। दोस्तों आज बोलते तो सब है कि वो मृत्यु से डरते नहीं, पर अगर एक पल को भी उनके प्राणों पर कोई संकट की बात आए तो कांप जाते हैं। पर जिन्हें सच में श्री कृष्ण अपना लेते हैं और उनकी ओर देखने लगते हैं, उसके मन का डर अपने आप निकल जाता है। मृत्यु का नाम सुनकर अगर अभी भी आपके मन में थोड़ा सा डर है तो अभी भगवान और आप में दूरी है। दूसरा लक्षण है जीवन की इच्छा ना होना। दोस्तों जीवन दो तरह से जिया जा सकता है। पहला तरीका है खूब सारी इच्छाएं रखना और उन्हें पूरा करने के लिए जिंदगी भर मेहनत करना, और दूसरा तरीका है श्री कृष्ण को अपने जीवन का एकमात्र केंद्र, लक्ष्य और प्यार बनाना और फिर अपने संसार के कर्तव्यों को निभाते रहना। ऐसा इंसान सिर्फ वर्तमान में अच्छी तरह से अपने कर्म करते हुए मन को गोविंद में लगाए रखता है और गोविंद की इच्छा ही उसकी इच्छा होती है। उसका मन ये कभी नहीं करता कि वो लंबा जिए, हरि चाहे तो उसे अभी इसी पल बुला ले या 100 सालों तक जिंदा रखे, सब उनकी मर्जी, वो तो बस अपने भगवान के नाम और लीलाओं में खोया खुश रहता है। तीसरा संकेत है कुछ पाने की इच्छा या खोने का डर ना होना। ये संकेत आपके अंदर है या नहीं ये जानने का सबसे आसान तरीका है अकेले में शांत बैठना और देखना कि आपके दिमाग में सबसे पहले आने वाले दो विचार कौन से हैं। ऐसे में आमतौर पर दो ही तरह के विचार आते हैं, पहले उन इच्छाओं के बारे में जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं, दूसरे उन चीजों या लोगों के बारे में जिन्हें आप खोने से डरते हैं। अगर ऐसी भावना अभी आपके मन में है तो आपकी भक्ति और प्रेम को पक्का होने में अभी वक्त है। जिसका भक्ति प्रेम रूपी मीठा फल पक जाता है उसकी तो भगवान को पाने की इच्छा भी खत्म हो जाती है। भगवान अपनी इच्छा से दर्शन दे या ना दे, उनके प्रेम और इंतजार में वो भक्त सदा खुश रहता है। ऐसी भावना उस भक्त में इसलिए आती है क्योंकि जिन्हें पाने के बाद कुछ पाने की इच्छा ही ना रहे, अब वो ऐसे मिल जाते हैं, उस भक्त से ऐसा प्रेम करने लगते हैं कि भक्त का अपना पता ही खो जाता है, सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण रह जाते हैं। उसकी इंद्रियां, मन, बुद्धि ऐसे गोविंद के वश में आ जाते हैं कि वो इच्छा करने के लायक ही नहीं बचता। ऐसे ही और रोचक अनसुने तथ्य जानने के लिए सब्सक्राइब करें।